यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जो कि एक बुजुर्ग संत, एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने विदेशों से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करी हो, एक बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थान में जिनकी जॉब हो, वो सब कुछ छोड़ करके वो और सनातन के रक्षार्थ ऐसे मठ में आते हैं जहां 95% मुसलमान हो। वो चाहते तो सन्यास के बाद में, वो भगवा चोला ओढ़ने के बाद में किसी ऐसे मठ मंदिर में भी जा सकते थे, वहां पर भी गीता का प्रवचन दे सकते थे, जहां पर वो सुरक्षित रहते, जहां पे हिंदुओं की कथाएं चलती हो, जहां पे महिलाएं आकर के नृत्य करती हो, नाच गाना चलता हो, ढपली ढोल बजता हो और वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना, उन्होंने चुना एक रणक्षेत्र, उन्होंने चुना पांडवों की पूज्य स्थली, और उन्होंने वो क्षेत्र चुना जहां पर भी उनको पता था कि यहाँ आमने सामने की लड़ाई होगी। अब आप बताइए कि ऐसे एक बुजुर्ग संत को छोड़ करके हम भगवान की जो एक तरीके से हमारे को अनुकंपा कि हमारे को काले बाल रहते ही ये अकल आ गई कि हमारे धर्म की हमारे को सीख क्या है, हम उसकी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार हम अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कर सकते हैं। यदि हम वो लोग उन बुजुर्ग संत का साथ नहीं देंगे तो भला किसका साथ देंगे। आज एक 68 साल का व्यक्ति 40 कुत्ते कुतियाओं का बलात्कार कर लेता है और पूरा का पूरा इस्लाम कौम उस बलात्कारी व्यक्ति का साथ देती है। और शुरुआत में ये तक कहा गया कि फोटोशॉप है, ये फेक न्यूज है, ये तक कहा गया। ये पूरे के पूरे जितना भी इस्लामिक गैंग था, इन्होंने तो ये ऑफ इंडिया की न्यूज दिखा रहे हैं आप, ऑफ इंडिया को ये कह दे तो बिकाऊ है, भाजपाइयों का है। जब फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, सब ने दिखाया, तब जाकर के ये इस्लामिक जिहादी जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई गायब हो गई। इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं बोला। ये 68 साल के बलात्कारी का सपोर्ट कर सकते हैं, ये 60 साल के उस आदमी का सपोर्ट कर सकते हैं जिसने 9 साल की बच्ची का रेप कर लिया था, ये उस सन की व्यक्ति का सपोर्ट कर सकते हैं जिसने पूरे विश्व के अंदर 500 करोड़ लोगों की हत्या करवाई, और ये चाहते हैं कि ऐसा सन्यासी जो इतना पढ़ा लिखा, इतनी उच्च शिक्षण संस्थान से, वो जो ग्रेजुएट हो, विदेश से पढ़कर आया, विदेश में नौकरी करके आया, जब वो हमारे धर्म के रक्षा खड़ा हुआ है तो हम युवा उसके साथ खड़े ना हो। वो व्यक्ति जो सच बोल रहा है, जिसने वहां पे घुसने वाले एक एक बलात्कारी नियत रखने वाले व्यक्ति को खुद अपने हाथ से कूटा हो, जिसने भगवा के ऊपर सवाल उठाने वाले एक इस्लामिक व्यक्ति को भरे न्यूज चैनल पर ऑन एयर थप्पड़ थप्पड़ मारे हो, उस व्यक्ति का हम साथ देना छोड़ दें, ताकि हम भी अपने से पिछले वाली पीढ़ी की लाइन में जाके खड़े हो जाएं जिन्होंने की इस सनातन वैदिक धर्म को इस गर्त में पहुंचाया है, ताकि ये जो युवा पीढ़ी है ये भी उसी लाइन में जाकर खड़ी हो जाए जो आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बीन बजाते रहे, जो भाईचारा निभाते रहे, जो खुद तो भाई जान करते रहे और वो भाई भाई का कहलवा के हमारी जान लेता रहा, जो खुद भाई भाई कहलवा के हमारा चारा बनाता रहा, आज हम उसके साथ में खड़े हो जाए क्या। वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती है जिसने एक पूरी चलती हुई चेन को तोड़ दिया है। आपको याद होना चाहिए जब ये सरकार 2014 में आई थी, रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और उसने लेटर में लिखा कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार मैं हूं। और रोहित वेमुला कौन? और रोहित वेमुला वो ओबीसी जिसने धोखे से एससी का अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उसके कोटे से एक एससी भाई जो गरीब था उसका हक मार के वो उस यूनिवर्सिटी में गया और वहां उसने 10 रुपए में कमरा लिया, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो ये सरकार, पूरी की पूरी सरकार झुक गई थी। एचआरडी मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे थे वो बच्चा 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 बच्चा, और ये बच्चा बच्चा कहते कहते ये जो जेएनयू और आरएनडीटीवी वाले थे ना, सरकार के हलक में लट चढ़ा दिया था उन्होंने, और उन्होंने रोहित वेमुला को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि जितना कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। इस महाराष्ट्र, आज की तारीख में महाराष्ट्र आत्महत्या स्टेट बन चुका है, लेकिन किसी ने उसका मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन रोहित वेमुला जो एक लेटर में लिख करके मरता है, उसके एवज में, उसकी आड़ में पूरी केंद्र सरकार की बैंड बजा दी गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार झुक गई। फिर याद होना चाहिए आपको जुनेद एक हत्यारा जिसने चाकू की नोक पर वहां बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए बुजुर्ग को सताया था, उसने चाकू दिखाकर उसको परेशान करने की कोशिश की और चाकुओं से वार किया था। एक व्यक्ति, एक युवा सनातनी वहां पर खड़ा हुआ था, जब उस पर वार हुआ तो उसने पलट वार किया और उस पलट वार में उस जुनैद को चाकू लग गया और जिसमें कि उसकी मौत हो गई। एक कुत्ते की मौत मरने वाला व्यक्ति, एक कुत्ते की मौत मरने वाले व्यक्ति को हीरो बना करके पेश किया गया और कहा गया कि उसके पास में गोमांस होने का शक था और उसको मार दिया गया। आप देखिए इस देश के मीडिया की स्थिति और इस देश के विपक्ष की स्थिति और इस देश के उस अंधे कानून की स्थिति और साथ ही साथ उन अंधे लोगों की स्थिति जो कि
सनातनी नाम के सनातनी होने के बावजूद इस सनातन वैदिक धर्म से सख्त नफरत करते हैं। कि उन्होंने जुनेद को मामले को इतना ज्यादा ऊंचा चढ़ाया था, जब बाद में सच पता पड़ी कि रोड रेज में मारा गया है, सब में सन्नाटा था और सारे के सारे गायब हो गए थे, लेकिन हिंदुओं को घेर लिया गया था। मैं बात करूंगा अब उस व्यक्ति की जो कि एक बाइक चोर था, झारखंड में, जिसकी पतली पतली संटियों से दो चार पिटाई क्या होगी थी, दो चार मिनट, उसका मामला यह बना दिया गया कि हिंदुओं ने इसको मारा है, हिंदुओं ने इसकी लिंचिंग कर दी है, और मामला यूएन तक गया था, और मेरे देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर रोया था। और ये शर्मनाक बात थी कि पूरी सरकार उसके सामने झुक गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में यह बात आई कि उस पिटाई के 5-6 दिन के बाद उसकी मौत हुई, और उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई। और वो सीरियल चोर था, वो एक बहुत बड़ा चोर था, जो भैंस, बाइक, साइकिल सब कुछ चुराता था, लेकिन उस पर भी हिंदुओं के जो हित थे उनको हाशिए पर रखा गया, उनका विक्टिम कार्ड फिर भी खेला गया। उसके बाद चाहे रकबर की बात हो, और चाहे अन्य अन्य बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी गलती में पिटे और फिर कहा हमसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, फिर सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि इन लोगों की खुद की गलती थी और इन्होंने ये विक्टिम कार्ड खेला है। लेकिन मैं सब भाइयों से, सब बहनों से, मैं सब दर्शकों से, मैं शुभम भाई से, मैं साइबर सिपाही से कहना चाहता हूं कि जब तक सच्चाई सामने आती उस टाइम तक हिंदू बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका होता था। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आसिफ की कुटाई हुई और एक सन्यासी, एक संत ना करके हमने कुटा है, और अगर मैं वहां होता तो वीडियो भी ना बनती और स्थिति और ज्यादा खराब होती इसकी, क्योंकि ये हमारी सनातन की परंपरा है। जो प्रतीक पूजन करते हैं, जो उसको पवित्र मानते हैं, जो उसको सब कुछ समर्पण करता है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा उसका अपवित्रीकरण देख सकता है क्या? जिन लोगों ने पिछले 500 साल तक कंटिन्यू अपने राम मंदिर के अस्तित्व के लिए सच जानते हुए भी और सहिष्णुता के साथ में खड़े होकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ी हो, उन लोगों के लिए अब भी ये झेलना कुछ बाकी रह गया क्या? यदि स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने इस चेन को तोड़ा और उन्होंने पहली बार उसकी ठुकाई भी करी, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली, और उन्होंने कहा कि हाँ हमने तोड़ा है, और अगर फिर साया फिर तोड़ेंगे, और असलम का लौंडा भी आया था, हमने उसको भी तोड़ा, और फिर तोड़ेंगे अगर यहां आए तो, और वीडियो भी नहीं बनाएंगे, अगली बार वीडियो भी नहीं बनेगी। तो द क्विंट हो, बीबीसी हो, चाहे लल्लन टॉप हो, सब में सन्नाटा है या नहीं है, पहली बार कोई व्यक्ति नहीं झुका है, किसी ने विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया है, और वो विक्टिम कार्ड ना खेलने देने की ही ये रड़क है कि इन सब लोगों में इस टाइम ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कौन व्यक्ति है जिसके एक जरा सी आ भरते ही और युवाओं की वहां लाइन लग गई, ये कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आप ये बताइए कि 4 दिन पहले 120 करोड़ रुपए दिल्ली के दंगों के लिए आए, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन, उसने अपनी बंदूक निकलवाई, 4 दिन पहले वहां गुलेल लगी, वहां पेट्रोल बम आए, वहां तेजाब आया, वो सब जिम्मेदार नहीं है? एक हफ्ते से वहां के सीसीटीवी कैमरा तोड़े जा रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं है? लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन के लिए 2 महीने पहले हुई एक धर्म संसद जिम्मेदार है दिल्ली दंगों के लिए, जो वहां कुछ देर पहले ही हेलमेट, नए हेलमेट ब्लू कलर के, एकदम से हेलमेट के अंदर लोग आते हैं, पूरा पथराव करते हैं, वो जिम्मेदार नहीं थे? मेट्रो स्टेशन को घेर के बैठने वाले लोग जिम्मेदार नहीं थे? 500-500 रुपए लेकर के वहां हिंदुओं को गाली देने वाले छोटे छोटे बच्चे जिम्मेदार नहीं थे, जो कह रहे थे हम काफिरों को मार देंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह को खत्म कर देंगे, वो जिम्मेदार नहीं थे? लेकिन 2 महीने पहले दिल्ली से कई किलोमीटर दूर बैठे हुए कुछ लोग, वो जो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद वंदे मातरम, ये बात कहने वाले लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ वरदराजन को अपने दिमाग और अपने सारे अंदर पंजर का इलाज करवाने की आवश्यकता है, हो सके तो उसको आगरा के पागलखाने भिजवाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको एक दिन पहले की पिस्तौल छुड़वाए हुए ताहिर हुसैन जिम्मेदार नहीं दिखते, उससे 2 महीने पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म का जयकारा लगाने वाले लोग जिम्मेदार दिखते हैं। तो ऐसे जितने भी लोगों को दर्द हो रहा है, मैं उनको कहता हूं, जितने भी लोगों को दर्द हो रहा है, बैन लगवाओ, वीडियो डिलीट करवाओ, कम्युनिटी स्ट्राइक दिलवाओ, चाहे हमारे खिलाफ कितना वीडियो बनाओ, कितना जहर उगलो,
ये तो अब चल चुका है, ये रुकने वाला नहीं।